चंदौसी में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हरीश चंद्र प्रजापति का नगर आगमन पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। नगर में गैस गोदाम रोड के एक निजी समारोह स्थल पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर सियासी तीर छोड़ते हुए कहा कि पूरा प्रदेश बदहाल है, किसान लाचार है, महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार आम जनमानस को गुमराह कर रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर गुमराह कर रही है। इस बार प्रदेश में सपा की लहर है, इस बार सपा हर छोटे दलों से तालमेल बिठाकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएगी। उन्होंने कहा, अभी चार दिन पहले अमर उजाला में छपा था कि 46% अपराध महिलाओं के प्रति इस वर्ष बढ़े हैं और उनमें आधे से अधिक उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। तो इससे जाहिर हो रहा है कि जो माननीय योगी जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सुधरी है, कहाँ सुधरी है? महिलाओं के साथ किस तरह के अपराध हो रहे हैं आप सब लोग जानते हैं, उसकी तह में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये तय है, सरकार कह रही है, सरकारी एजेंसी कह रही है, राष्ट्रीय महिला आयोग, कि महिलाओं पर 46% अपराध बढ़े हैं। पिछड़ों की उपेक्षा हुई है, पिछड़ों पर अपराध बढ़े हैं, जुर्म बढ़े हैं, दलितों पर अपराध बढ़े हैं, आदिवासियों पर अपराध बढ़े हैं। और सच्चाई तो ये है कि पूरे देश पर अपराध बढ़े हैं। ना उच्च जाति सुरक्षित है, ना अन्य लोग सुरक्षित हैं, केवल सुरक्षित हैं माननीय अडानी अंबानी, इस देश के उद्योगपति और पूंजीपति। माननीय मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे और 15 लाख हर खाते में पहुँचाएंगे, वो तो आया नहीं। हमारा सफ़ेद धन 13,500 करोड़ विजय माल्या जी लेके विदेश भाग गए। कोई विदेश से पैसा आया हो तो हमें बता दें। युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं मिला। और पिछड़ों का जहाँ तक सवाल है, पिछड़े जब जिसके साथ रहे हैं, माननीय नेताजी के साथ रहे, माननीय नेताजी इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े देश के 3 बार मुख्यमंत्री बने, मायावती जी के साथ चला गया, मायावती जी बनी, माननीय अखिलेश जी के साथ आ गया पिछड़ा वर्ग, तो अखिलेश जी बड़े बहुमत के मुख्यमंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट दिया गया, भड़का दिया गया, गुमराह कर दिया गया। और यही काम करती है कि हिंदू मुस्लिम के का नारा देकर लोगों के जज्बात को भड़काती है और जिन हिंदुओं की बात करती है उन हिंदुओं को उनका चुनाव पर वोट लेने के बाद फिर उनका कोई ध्यान नहीं करती। इस बार सर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या किसी अन्य दल से सहयोग करेगी? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोक दल से समझौता हो चुका है, अन्य समान विचारधारा वाले दलों से सहयोग लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी है। लेकिन ये तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हालांकि उन्हीं का अधिकार है, लेकिन उन्होंने ये तय कर दिया है कि हम लोग ये बड़े जो दल हैं जो धोखा देते हैं, जैसे मायावती जी ने हमें पिछले चुनाव में धोखा दिया, कांग्रेस ने दिया, ऐसे दलों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये तय है, आम जनता समाजवादी पार्टी को जिताना चाहती है, पूरी क्रांति है, परिवर्तन है। मैं आपको अभी बताऊं, मेरे साथ अभी मैं आया था यहाँ चंदौसी में, आरएसएस के लोग थे, उन्होंने कहा साहब कोई, किसी ने कहा 92 से हैं, किसी ने कहा साहब हम 90 से हैं, हमें गुमराह किया गया पिछले वर्ग के लोगों को, हम तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उनका नाम भी बता देंगे और हम पेश भी कर देंगे, मेरे साथ आए हैं। तो समाजवादी पार्टी के साथ सब वर्ग हैं और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो अन्य प्रांतों से कार्यकर्ता खड़े हैं उनको यहाँ बुला रही है बीजेपी।